हाय एवरीवान वेलकम बैक टू माय चैनल अप तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे बात करते हैं वेरी फर्स्ट वन इज साइको एनालिसिस वॉज प्रपाउंडेड बाय मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है या किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है हल कोहल कोहलबर्ग या सिगमन फ्यूड तो ये सिगमन फ्यूड ने यह कॉन्सेप्ट दिया है साइको एनालिसिस लिखकर आता है या फिर साइको अप्रोच ये मनोविश्लेषणवाद वाद साइको या साइको एनालिसिस ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके सेगमेंट फ्यूड का है इन्होंने ही मन का विश्लेषण किया है मन की अवस्थाएं बताई है कि आपके कॉन्शियस माइंड होता है अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड होता है तो इसका राइट आंसर होगा डी सेगमेंट फ्यूड नेक्स्ट हम बात करते हैं टी ए टी दैट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इट इज़ अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी या स्ट्रेस राइट आंसर इज पर्सनैलिटी ये जो टेस्ट होता है आपके पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है बोथ द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड इज सेवन ईयर्स शी मे बी क्लासीफाइड इन टू विच कैटेगरी बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंस नॉर्मल इंटेलिजेंस अब नॉर्मल इंटेलिजेंस या जीनियस तो इसका जो राइट right आंसर होगा फॉर एग्जाम्पल इसको सॉल्व करते हैं देखिए आई क्यू मेजर करने का जो आपका फॉर्मूला रहता है दैट इज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इस तरह से हम किसी के आईक्यू को मेजर करते हैं जहाँ पर जो मेंटल एज होती है वो आपके इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल एज होती है जो एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं सॉरी जैसे आपका माइंड परफॉर्म करता है वो वाली एज आपकी मेंटल एज होती है क्रोनोलॉजिकल एज आपकी एक्चुअल एज होती है जो आपकी है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से सपोज दैट आपकी जो वास्तविक आयु है क्रोनोलॉजिकल एज है वो आप यहाँ पे गिवन है सेवन ईयर है तो क्रोनोलॉजिकल आपके डिनोमिनेटर में था तो सात ईयर अगर हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है और मेंटल एज भी सेम है तो दैट मीन्स सेम सेवन ऊपर है मल्टीप्लाई उसको करेंगे हम हंड्रेड से तो आई क्यू कितना आएगा आपका सेवन वन जो सेवन हंड्रेड तो आई क्यू आंसर कितना आ रहा है हंड्रेड तो ये जो हंड्रेड है ये आपका एवरेज की कैटेगरी में फॉल करता है क्योंकि आपका जो एवरेज आई क्यू रहता है वो आपका रहता है नाइन्टी टू वन टेन इसलिए इसका आंसर जो होगा नॉर्मल इंटेलिजेंस होगा जब आपका मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इक्वल होती है उस समय आपका आई जो होता है नॉर्मल होता है नेक्स्ट इज इन वाइगॉट्सकी थ्योरी विच आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट्स गेट्स निग्लेक्टेड वाइगॉट्सकी की थ्योरी के अनुसार इनमें से कौन से आस्पेक्ट को निगलेक्ट किया है कि जिसकी वजह से बच्चे का जो विकास होता है मानसिक विकास होता है वो नहीं होता है सोशल कल्चरल बायोलॉजिकल या लिंग्विस्टिक तो अगर हम वाइगॉस्की की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मानते हैं कि सोसाइटी कल्चर आपकी लैंग्वेज इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है किसी बच्चे के विकास में तो रोल किसका नहीं मानते हैं ये आपके बायोलॉजिकल फैक्टर इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा अगर हम जीन प्याजे की बात करें तो ये जीन प्याजे बायोलॉजिकल फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं कि इससे हमारा जो है जो विकास होता है मेंटल विकास होता है वो इस पर डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा मानते हैं जीन प्याजे बायोलॉजिकल फैक्टर को लेकिन अगर वाइगॉस्की की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो सोशल कल्चरल लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा जो है मानते हैं कि इसकी वजह से जो विकास होता है वो ज्यादा होता है लेकिन निगलेक्टेड यहाँ पे क्वेश्चन में था कि इनमें से कौन से एस्पेक्ट को निगलेक्ट करते हैं वाई की तो आंसर इज सी बायोलॉजिकल नेक्स्ट इज वेयर द वर्ड साइकोलॉजी डज कम फ्रॉम ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये आपका कौन सा शब्द है लैटिन शब्द है ग्रीक शब्द है इटालियन शब्द है या नन ऑफ द अबव तो अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी की तो ये आपके ग्रीक शब्द साइकी प्लस लोगो से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सोल तो ये ग्रीक वर्ड है नेक्स्ट इज नेक्स्ट की अगर हम बात करें सोशल लर्निंग थ्योरी वॉज डिवेलप बाय इनमें से सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है तो सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करें तो ये आपका एल्बर्ट बंड्यूरा ने दिया है सोशल लर्निंग थ्योरी ये बात करते हैं कि ये ऑब्जर्व करके भी सीखा जाता है हम दूसरों के व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं फिर लर्न करते हैं तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी आपके एलबर्ट बेंड्यूरा की थ्योरी है कोहलर की थ्योरी की बात करें तो इंसाइटफुल थ्योरी है कोहलबर्ग की बात करें तो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी है वाइगॉसकी की बात करें तो सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं नेक्स्ट है जीन प्याजेज स्टेजेस फॉर इन्फेंसी इज जो शैशवावस्था है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिन प्याजे की बात करते हैं तो सेंसरी मोटर स्टेज है आपके इन्फेंसी स्टेज बर्थ टू टू ईयर तो उसको हमने कहा है सेंसरी मोटर स्टेज जिन प्याजे कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चा अपने सेंसिस से सीखता है नेक्स्ट है आई क्यू ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन विल बी जो मेंटली चैलेंजड चिल्ड्रन होते हैं उनका आई क्यू आपके बिलो सेवेंटी रहता है तो इसका राइट right आंसर जो होगा ए होगा नेक्स्ट है आपके पास एबस्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्स ड्यूरिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या सेंसरी मोटर स्टेज देखिए स्टेज से हमें पता लग रहा है कि किसकी बात हो रही है तो ये जीन प्याजे की हो रही है कि जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है अमूर्त चिंतन होता है ये कौन सी अवस्था में होता है अगर हम बात करें जीन प्याजे के अकॉर्डिंग तो ये लास्ट जो स्टेज रहती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वहाँ पर आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रहता है अमूर्त चिंतन रहता है तो इसका जो राइट right आंसर होगा वो आपका रहेगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इलेवेंथ क्वेश्चन की बात करें तो एरिक एरिकसंस स्टेजेस फॉर एडोलिसंस ये पूछा जाता है बहुत बार एरिक Eric एरिक्सन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो एडोलसेंस की स्टेज है इन में से कौन सी है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट वर्सेस शेम इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट तो बात करते हैं एडोलिसेंस वाले जो एज होती है स्टेज होती है ये आपका आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूज़न होता है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु कॉइन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस तो ये एरिक Eric एरिक्सन है इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कही है एडोलशंस पीरियड में आपका ये स्टेज रहता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन नेक्स्ट है आपके पास एस टी एम स्टैंड फॉर तो ये जो एस टी एम है ये आपके मेमोरी से रिलेटेड है ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है सेंसरी टर्म मेमोरी नहीं होता है ये आपका आंसर जो होगा आपका बी आंसर सही आंसर है शॉर्ट टर्म मेमोरी इज द एस टी एम जहाँ पर क्या होता है आपका देखो पहले क्या होता है मेमोरी की हम बात करते हैं तो पहले हमारी सेंसरी मेमोरी होती है जहाँ पर हम सब कुछ मेंटल जो स्क्रीनशॉट होता है वो हम अपने सेंसी से लेते हैं यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके दो से तीन सेकेंड तक रहती है हम बात करते हैं उसके बाद आपकी जो ये इंफॉर्मेशन है मेंटल स्क्रीन है ये आपके शॉर्ट टर्म मेमरी में जाता है यहाँ पर आपकी जो मेमोरी की स्टोरेज रहती है 20 से 30 सेकंड या फिर लेस देन वन सेकंड तक हम लेस देन वन मिनट तक हम इसमें कहते हैं कि इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है आपके लेस देन वन मिनट तक उसके बाद इंफॉर्मेशन जाती है आपके लॉन्ग टर्म मेमरी में जहां पर हम बहुत लंबे समय के लिए परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को ये एग्जाम परपज से जो आपके मेमरी वाला कॉन्सेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस कैन बी आइडेंटिफाई एज नॉलेज ऑफ ग्रेट मैनिफेक्ट्स द एबिलिटी टू गेट गुड grades in schools the ability to think abstractly and learn from experiences all the factors that makes one person different from other to intelligence kisko kahenge aap kaun si definition aapke liye appropriate hai kaun si best hai to mere according to iski jo definition hai proper जो definition रहेगी वो आपका right answer होगा Ability to think abstract and learn from experience. कि हम अमूर्त चिंतन कर सके और हम अपने experience से सीख सके यही जो है आपका intelligence है यही इसी को हम बुद्धि कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आई क्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1912. अगर हम बात करते हैं आई क्यू का जो ये कॉन्सेप्ट है सबसे पहले ये किसने दिया है अगर तो हम फार्मूले की बात करते हैं कि हु गेव द फॉर्मूला एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड अगर हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो ये आपके टर्मन ने दिया है लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आई क्यू का सबसे पहले ये किसने दिया है कॉन्सेप्ट ये आपके विलियम स्टर्न है इन्होंने दिया है आपके कॉन्सेप्ट आई क्यू का नाइनटीन ट्वेल्व में नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेस्टोल्ट मीन्स तो ये जो गेस्टॉल्ट शब्द है इसका मतलब क्या है एज अ चेंज एज अ मशीन एज अ होल एज अ बिहेवियर तो गेस्टॉल्ट मीन्स एज अ होल एज अ कम्प्लीट तो गेस्टोल्ट का मतलब है एज अ होल कि हमें सिचुएशन को एज अ होल परसीव करना है तभी हम जो है समस्या का समाधान कर सकते हैं नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस स्प्लिट है कंटिन्यूस है होल है या ब्रोकन है तो डेवलपमेंट आपका ऑन गोइंग प्रोसेस है कंटिन्यूस प्रोसेस है इट गोज़ कंटिन्यूसली टिल द डेथ हम कह सकते हैं कि वोम टू टूम चलती है ये आपके जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उस समय से लेकर जब बच्चे की मृत्यु नहीं हो बच्चा या इंडिविजुअल किसी भी इंसान की अगर हम बात करें जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक कंटिन्यूसली चलती रहती है इसलिए हम जो डेवलपमेंट है विकास है उसको हम कंटिन्यूस प्रोसेस कहेंगे ऑनगोइंग प्रोसेस कहेंगे नाइनटीन क्वेश्चन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू थॉन्डाइक थ्योरी द इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ लर्निंग आर लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट या ऑल ऑफ डैम थॉन्डाइक की बात करें तो ये तीनों जो है आपके प्राइमरी लॉज है लर्निंग के लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट तो इसे राइट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑल ऑफ डैम बिकॉज ऑल आर द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग एंड दीज लॉज आर गिवन बाई ई एल थॉन्डाइक नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू क्लासीफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ कालजोंग अंडर विच कैटेगरी डू द पर्सन हैविंग लोनली टिमिट आइडियलिस्टिक एंड सेल्फ सेंटर नेचुरल फॉल इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एम्बीवर्ट या ऑल ऑफ द अबर्व कि जब इंसान लॉनली अकेले रहना पसंद करता है सेल्फ सेंटर्ड होता है टिमिड होता है डरपोक सा होता है आइडियलिस्टिक होता है तो ये किसकी करेक्ट्रिस्टिक्स है ये आपके इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी में आएगा अकॉर्डिंग टू कालयुग ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है तो ये आपके कालयुग ने दिया है कॉन्सेप्ट आपके इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी का नेक्स्ट इज हु इज़ द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग डोल्टन है क्रो एंड क्रो है स्किनर है किलपैट्रिक है तो इसका आंसर होगा किलपैट्रिक तो किलपैट्रिक ने आपके प्रोजेक्ट मैथड दिया है नेक्स्ट है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बिहेवियरिज्म की बात करें तो जे बी वॉटसन को कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म व्यवहारवादी के जनक कहा जाता है जे बी वॉटसन को ठीक है तो नेक्स्ट है आपके पास अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे सेंसरी मोटर स्टेज इंक्लूड्स बर्थ टू टू ईर टू टू सेवन ईयर्स सेवन टू इलेवन ईयर्स या इलेवन टू अबव तो सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग यह आपके जन्म से दो साल की अवस्था रहती है शैशवावस्था इसको कहते हैं इन्फेंसी स्टेज इसको कहते हैं दो से सात साल की बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं सात से ग्यारह की बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं इलेवन ईयर्स के अबव की बात करें तो ये जीन प्याजे के अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रहती है तो जीन पियाजे की थ्योरी वाईकॉर्स की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ है आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए स्पेशली आपका कोई भी सी टैट है आपका स्टेट टैट है कमीशन है तो हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है नेक्स्ट है आपके पास डिसलेक्सिया इज़ एसोसिएटेड विद मेंटल डिसऑर्डर मैथमेटिकल डिसऑर्डर बिहेवियरल डिसऑर्डर या रीडिंग डिसऑर्डर तो डिसलेक्सिया आपके रीडिंग डिसऑर्डर है डिसग्राफिया होता तो ग्राफ से याद रखना तो लिखने से रिलेटेड है डिस्ग्राफिया मीन्स रिलेटेड टू राइटिंग डिसऑर्डर तो डिसलेक्सिया की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो डिस्लेक्सिया आपके रीडिंग डिसऑर्डर है तो आंसर इज डी नेक्स्ट है कॉग्नेटिव डेवलपमेंट मीन्स संज्ञानात्मक विकास क्या है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ़ फिजिकल स्किल्स या डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल तो ये कागनेटिव डेवलपमेंट मानसिक विकास आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड है जहाँ भी हम मेंटल प्रोसेस करते हैं तो वो आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है तो इंटेलिजेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने मेंटल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो राइट आंसर इज ए डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस तो ये जो काग्नेटिव शब्द है कागनेटिव डेवलपमेंट है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से तो नेक्स्ट है विच एज स्पैन कवर्स एडोलसेंट एज जो एडोलसेंट एज है किशोरावस्था है तो इनमें से कौन सी जो एज ग्रुप है वो इसके अंतर्गत आता है तीन से ग्यारह साल बारह से उन्नीस साल एक से तीन साल या बीस से अबव ईयर तो अगर हम बात करते हैं बारह से उन्नीस साल की बात करें तो ये आता है आपके एडोलसेंट एज में किशोरावस्था में तीन से ग्यारह साल आपका बाल्यावस्था एंड एक से तीन साल हम शैशवावस्था मान के चल सकते हैं इन्फेंसी स्टेज है बीस से अबव आपका अडल्टड आ जाता है सो दैट्स इनअ फॉर टू डेज क्लास आई होप दिस सेशन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेपअप स्टे कनेक्टेड